नमस्कार, आप देख रहे हैं मरुधर बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की खास सुर्खियों पर। 1 अप्रैल से 45 पार सभी को लगेगा कोरोना टीका। पैसा खर्च कर प्राइवेट सेंटर्स में भी होगा टीकाकरण। दिल्ली के सफदरजंग हॉस्पिटल में लगी आग, 60 मरीजों को दूसरे जगह किया गया शिफ्ट, आग पर पाया गया काबू। महाराष्ट्र के नंदुरबार में आज रात से 15 अप्रैल तक लगा लॉकडाउन। गुजरात के कई शहरों में लगा नाइट कर्फ्यू। देश में 6.24 करोड़ से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोगों को वैक्सीन लगी, स्वास्थ्य मंत्रालय ने दी जानकारी। असम दौरे पर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, ताबड़तोड़ करेंगे 3 रैलियां। केरला और तमिलनाडु में ताबड़तोड़ प्रचार करेंगे सीएम योगी, प्रियंका भी संबोधित करेंगी कई जनसभाएं। असम विधानसभा चुनाव में दूसरे चरण के प्रचार का थमा शोर। यूपी सरकार का अहम फैसला, टीकाकरण के लिए सरकारी और प्राइवेट कर्मचारियों को मिलेगी छुट्टी। दिल्ली के कश्मीरी गेट के पास फुटपाथ पर चढ़ा ट्रक, 2 लोगों की हुई मौत। मध्य प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 15 अप्रैल तक बंद, जारी हुआ आदेश। मुंबई में RT-PCR टेस्ट की बजाय 50% हुए एंटीजन टेस्ट, डाटा एनालिसिस से मिली जानकारी। हरियाणा के रोहतक PGI में 22 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव, जच्चा बच्चा वार्ड पूरी तरह से बंद। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 53,480 नए मामले, 354 लोगों की गई जान। महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक में कोरोना कंट्रोल से बाहर, 24 घंटे में सामने आए 53,000 से अधिक केस। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की पत्नी रश्मि की तबीयत बिगड़ी, कोरोना से हैं संक्रमित। मध्य प्रदेश के भिंड में शराब न मिलने पर सैनिटाइजर पिया, 2 लोगों की हुई मौत, 1 की हालत गंभीर। बिहार में भी डराने लगा कोरोना वायरस, 72 घंटे में मिले 664 संक्रमित। उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में मिले कोरोना के 918 नए मरीज, 10 लोगों की हुई मौत। पश्चिम बंगाल में IB की रिपोर्ट के बाद 93 VIP को गृह मंत्रालय ने दी सुरक्षा। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, ममता बनर्जी को चुनाव हारने का डर, इसलिए बता रही गोत्र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी में NDA के पक्ष में बड़ी लहर। उत्तर प्रदेश के बांदा में ट्रोमा सेंटर में शराबियों का उत्पात, डॉक्टरों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। माकपा नेता जोएस जॉर्ज ने दी राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी, ली वापस, कांग्रेस कर रही इस्तीफे की मांग। उत्तर प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक के स्कूल 4 अप्रैल तक बंद, जारी हुआ आदेश। गुजरात राज्य के अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और सूरत शहर में 15 अप्रैल तक बढ़ा नाइट कर्फ्यू। फाइटर दीदी के तीसरे एपिसोड पर विवाद, BJP ने साधा TMC पर निशाना। परमबीर सिंह के आरोपों की होगी जांच, समिति की गई गठित। बिहार में पुलिस कस्टडी में सरकारी कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने किया हंगामा, हत्या का लगाया आरोप। लेह में बर्फ में फंसे 2 पर्यटक, सेना और पुलिस ने मिलकर बाहर निकाला। बंगाल की राजनीति में चल रहे गोत्र विवाद में OBC की एंट्री, बोले, मेरे जैसे लोग क्या करें, जो ना शांडिल्य है और ना जने उधारी। पंजाब में कोरोना से 2 दिन में 124 मौत, महिला क्रिकेटर हरमनप्रीत कौर सहित 5,114 लोग हुए संक्रमित। NCP प्रमुख शरद पवार की देर रात हुई सर्जरी, तबियत बिगड़ने पर अस्पताल में हुए थे भर्ती। असम दौरे के दौरान राहुल गांधी पहुंचे कामाख्या देवी मंदिर, मंदिर में पूजा अर्चना के बाद चुनावी रैली को करेंगे संबोधित। BJP प्रत्याशी अशोक डिंडा को मिली Y+ श्रेणी की सुरक्षा, बंगाल के मोयना से BJP प्रत्याशी हैं अशोक डिंडा। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जाएंगे असम दौरे पर, दोपहर 1 बजे जयपुर से होंगे रवाना। दिल्ली में चल रही धूल भरी हवाएं, बढ़ेगा तापमान, अगले 2 दिन राहत के नहीं आसार। शेयर बाजार लाल निशान में, सेंसेक्स 87 अंक की गिरावट के साथ खुला। पैन को आधार से लिंक करने का आज है आखिरी दिन, नहीं किया तो निष्क्रिय हो जाएगा पैन, भरना होगा ₹1,000 जुर्माना। बाइडेन प्रशासन ने शिनजियांग में चीनी कार्रवाई को घोषित किया नरसंहार। पाकिस्तान के राष्ट्रपति और रक्षा मंत्री कोरोना पॉजिटिव, शीर्ष नेताओं पर बढ़ा खतरा। वियतनाम कोर्ट ने दी फ्लाइट अटेंडेंट को 2 साल की सजा, कोरोना नियमों का किया था उल्लंघन। IPL 2021 के लिए ऋषभ पंत को मिली दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी, कोच रिकी पोंटिंग ने कहा, मुझे पूरा विश्वास, कप्तानी से पंत के खेल में आएगा निखार। शादी के बाद IPL के लिए मुंबई इंडियंस से जुड़े तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह क्वारंटाइन के दौरान कर रहे वेट ट्रेनिंग। IPL के लिए RCB का ट्रेनिंग कैंप शुरू, कप्तान कोहली गुरुवार को कैंप में होंगे शामिल, चहल, सिराज और सैनी ने शुरू की प्रैक्टिस। तुर्की दौरे पर 8 इंडियन बॉक्सर कोरोना पॉजिटिव, सभी को इस्तांबुल में किया गया क्वारंटाइन। कंगना रनौत ने सानिया मल्होत्रा पर बरसाया प्यार, पगलेट को लेकर जमकर की तारीफ। बाहुबली स्टार प्रभास ने खरीदी लैम्बोर्गिनी, सोशल मीडिया पर शेयर की फोटो। बॉलीवुड एक्टर और बिग बॉस फेम एजाज खान को NCB ने किया गिरफ्तार, फारूक बटाटा के सिंडिकेट से संबंध होने का शक। कोविड टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बावजूद सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बीच में छोड़ी मिशन मजनू की शूटिंग, लखनऊ में 8 से 10 दिन का शूट बाकी।
और अक्षय कुमार ने राम सेतु की शूटिंग शुरू की। फिल्म से अपना फर्स्ट लुक फोटो किया शेयर। इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए मरुधर बुलेटिन। नमस्कार।